गाइस ये देखें, ये जो हमारा पहले वाला दाना था ना, कितना सा रह गया, ये खत्म होने वाला था ये। और ये देखें, ये भी एंड चल रहा है बिल्कुल। ये गाजरें अभी चल जाएंगी रैबिट्स के लिए 2-3 दिन। आज हम खिलाएंगे अपने रैबिट्स को और पेट्स को। ये देखें ये क्या है, गंदम। और ये मैं लेके आया हूँ दाना, ये देख, ये नया लेके आया हूँ आज। और ये क्या है, कैंची। कैंची किस लिए, वो कैंची किस लिए लेके आया हूँ? कैंची मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आज हमने काटने हैं अपने कबूतरों के पर। उड़ने लग गए हैं ना, बहुत ज्यादा तंग करते हैं ये। देखें ऐसे ऐसे करके पर काट दूंगा आज मैं उनके, फिर वो उड़ेंगे नहीं। डर लगता है हल्का सा बाहर निकल के ना, मतलब जैसे ही उनको कोई तंग करता है ना, वो इतना ऊंचे उड़ते हैं। शुक्र है फिर वापस छत पे ही आ जाते हैं, वरना मुझे ऐसा लग रहा होता था कि अभी उड़ गए ये, कि वापस नहीं आएंगे। शुक्र है उड़े नहीं। सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है दोस्तों। अब मैं काटने लगा हूँ अपने पिजन्स के पर, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं वो। ऐसा लगता है कि बस उड़ गए, डर लगता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से जल्दी से उनके पर काटते हैं पहले। गाइस अब पहले ना इनको खोल देते हैं पिजन्स को, वन बाय वन करके पकड़ेंगे, पहले एक को फिर अगले को, ठीक है ना। इसको मैंने पकड़ लिया ऐसे, इसको बाकियों का भी कर देते हैं बंद। पहले इसकी बारी आ गई है, अब इसके पर काटेंगे। ये देखें ऐसे सारे, यहाँ से 2 कलियाँ छोड़ के बाकी काट देंगे हम, ठीक है दोस्तों। ये देखें ये 2 कलियाँ मैंने छोड़ दी हैं ऊपर वाली, अब यहाँ से ये 2 पकड़ लिए। ये देखें ये 2, ये वाली, ये 2, इनको छोड़ के अब बाकी से काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे एक छोड़ के एक नहीं, पहली 2 छोड़ के अगली सारी। चलो अब उस साइड से, अब ये देखें अब दूसरी साइड की बारी, उसकी साइड के काट दिए, अब इस साइड की बारी है। चलो तभी हम 2 कलियां छोड़ देंगे, ये पहली 2 कलियां, ये वाली एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है। ये देखें ये एक और ये 2, अब बाकी काट दें। और एंड से भी छोड़ देंगे ये 2, एंड वाली भी। उधर से भी मैंने एंड वाली 2 छोड़ दी, नहीं इधर से भी एंड वाली 2 छोड़ दी। अब बस सही, अब मैं इसको छोड़ने लगा। यहाँ जमीन पे देखिए अभी कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके पर कट गए। देखें वहीं पे, अब ये ज्यादा नहीं उड़ सकता, अभी यहीं पे रहेगा। ये देखें पहले उसके आपको दिखाए थे काट के, फिर हमने अब इसके काट लिए हैं। अब एक ये वाली रह गई है, इसके काटने हैं बस। तो गाइस ये अब हमारे पास है लास्ट, ये 2 इसकी भी कलियां हैं। देखें ये 2 छोड़ दी हैं, अब ये देखें अब इसको काटते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के तो देखें इसके भी हमने काट दिए हैं, पर अब इसको ज़रा छोड़ते हैं। अब देखना ये भी कहीं नहीं जाएगी, लास्ट ही। गाइस ये देखें पर हमने इनके काट लिए हैं सबके, तो वो 2 अंदर हैं और 1 गिरी। तो अब ये जो नीचे गिरे हुए हैं ना, अब ये जल्दी से चुन लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और अभी हमने रैबिट्स को भी खोल दिया है। ये देखें कबूतर खा रहे थे, उन्होंने आगे अटैक कर दिया, वो बेचारे डर गए सारे के सारे। तो गाजर डाल दो रैबिट्स को ताकि ये उनको दाना खाने दें पिजन्स को ना। बाकी पेट्स को खोलते हैं जल्दी से। ये देखें दोस्तों मैंने इनको खोल दिया, मुफासा को, ये क्या कहते हैं हम्प्टी डम्प्टी को, और इसका क्या नाम था, इसका नाम मैं ना भूल जाता हूँ न्यू मुर्गी का बार बार। इसका नाम था लड़ाका मुन्नी। चलो भाई उस तरफ, यहाँ क्या कर रहे हो दोस्तों? थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमारी ये जो लड़ाका मुन्नी है, इसने आज अंडा दिया है कि नहीं दिया, ठीक है? जल्दी ही चेक करते हैं। वो देखें दोस्तों वो चेक करें जरा, दिया हुआ अंडा भाई, वो पड़ा अंडा, वो नजर आ रहा होगा आपको, अभी हाथ में लेके दिखाता हूँ, वो नीचे पड़ा हुआ अंडा। दोस्तों ये रहा अंडा, माशाल्लाह हमारी मुन्नी ने ना कल भी अंडा दिया था और आज भी अंडा दिया, अब इंशाल्लाह ये रेगुलर अंडा दिया करेगी। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है, गर्मी है ना, इसलिए मेरे घर वाले कह रहे हैं कि ना अंडे के ऊपर नहीं बिठानी मुर्गी, क्योंकि ना अंडे आपके पहले भी ख़राब हो गए थे और अब भी ख़राब हो जाएंगे, तो ना इनको ना फ्राई करके दूंगी मैं नाश्ते में, मेरी अम्मी कह रही है। तो अब ये हम अपनी अम्मी को दे देंगे कि ना ये सुबह नाश्ते में बना देना, वरना ये तेज़ गर्मी है ना, पहले भी ये था, इतनी गर्मी से ना अंदर बच्चा बनने लग गया था खुद ब खुद ही चूज़ा, क्योंकि मैंने एक साइड पे रखे हुए थे अंडे, उसमें थे ना गर्मी की वजह से अंदर चूज़ा बनना शुरू हो गया था। अब ये भी हम ऐसे करेंगे, अपनी अम्मी को कह देंगे कि ना हमें फ्राई करके दे दें नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में काम आएगा ये अंडा। हेलो, ये आज भी अंडा आ गया, कल भी माशाल्लाह अंडा आया था, आज भी आ गया। हाँ भाई वो अंदर नहीं आने दे रही वो लड़ाका वाली हैं। चलो तुम्हें पकड़ के मैं ऊपर डालता हूँ, ठीक है? चलो शाबाश, वो भाग रहे हैं यार ये तो डर के।
पकड़ लिया, हाथ में नहीं आ रही थी भाई। चल भाई अपने घर ये ले। देखो ऐसे करो, रैबिट्स को ना बंद कर दो, अंदर दाना डाल के ना, और एक गाजर के 3 पीस करके अंदर डाल के ना इनको बंद कर दो, ठीक है, जल्दी से। यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आता आसानी पहुँच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह कल अगले व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, दाना शाना पूरा है ना, खाओ अब ये, ठीक है ना। अरे तू भी खा सही, फिनिश कर, ये इनको बंद कर देते हैं। देखें माशाल्लाह 3 अंडे हो गए हमारी मुन्नी के, रेगुलर अंडे दे रही है, लेकिन मसला ये है ये अंडे ना हम उसके नीचे रख नहीं सकते, इस वजह से कि गर्मी इतनी है, अंडे ख़राब हो जाएंगे अगर रखेंगे तो। पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि खुद ब खुद ही अंडों में ना बच्चे बनना शुरू हो गए थे और अंडे वेस्ट हो गए थे, सारी स्मेल हो गई थी उनमें। तो ये है कि जब मौसम अच्छा हो जाएगा ना, जब मौसम खुल जाएगा थोड़ा ठंडक आ जाएगी, फिर हम रख देंगे। फिर तो जब दोबारा अंडे देना शुरू होगी ना, वो अंडे हम उसके नीचे रख देंगे, थोड़ा बहुत छोटे छोटे चिक्स निकलेंगे फिर।